नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। स्वागत करता हूं वन अकेडमी यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर, जहां बात करने वाले अपने शो एडिटोरियल की। जी हां दोस्तों, आज सुबह किसी कारणवश अपना एडिटोरियल क्लास नहीं हो पाया था। मैंने आपसे कहा था शाम में होगा, तो शाम में मैं हाजिर हूं आपके साथ इस क्लास को लेकर। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है और विजुअली हम लोग जुड़ चुके हैं। दोस्तों, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? दोस्तों एक बार येस का बटन दबा दीजिए। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों सभी को वेरी गुड इवनिंग। समय हो गया 7:20 का। शुरुआत करेंगे इस क्लास की अपने। जैसे आप जानते हैं, क्लास शुरू करने से पहले जानकारी देना ज़रूरी है मुझे आपको। वो जानकारी है किस बारे में? सर, अनअकैडमी मेगा सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों जी हाँ, मेगा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ यदि आप इस समय प्लस कोर्स हमारा सब्सक्राइब करते हैं, अनअकैडमी का प्लस कोर्स सब्सक्राइब समय करते हैं दोस्तों आप, तो ना केवल आपका ये ऑफर जो है, ये 1 ईयर का जो ऑफ़र आप लेते हैं, 1 ईयर के आप क्लास परचेस करते हैं, तो 1 ईयर का ऑफ़र आप अप्रैल 28 से पहले अगर लेते हैं तो ये वैलिड रहेगा अगले साल 28 अप्रैल तक, और साथ ही साथ जब तक कि पीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जी हाँ, वो मई में हो, जून में हो, या 31 जुलाई से पहले कभी भी हो, आपका एक कोर्स वैलिड रहेगा वहाँ तक। दोस्तों तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेगा कोर्सेज़ को हमारे। फ़ीस 1 ईयर की देनी है, लेकिन आप जुड़ सकते हैं नेक्स्ट ईयर प्री तक के लिए हमारे साथ। ऐसे ही 2 साल के कोर्स, फीस 2 साल का पे करेंगे, लेकिन जुड़े रहेंगे 2 साल बाद के पीटी तक हमारे साथ। इसी कड़ी में सर, इस समय यदि 28 अप्रैल के पहले बाय करते हैं हमारे प्लस कोर्स को, तो आपके लिए 20 बुक्स, जी हाँ 20 बुक्स आपके लिए रखी हुई हैं, जो टीम द्वारा तैयार की गई हैं, अकेडमी के स्पेशल टीम द्वारा तैयार की गई हैं, जिनका वर्थ ₹10,000 से ऊपर का है। दोस्तों तो समय फ्री मिल रही हैं आपको बुक्स, यदि आप 28 अप्रैल के पहले सब्सक्राइब करते हैं हमारे 1 ईयर कोर्सेज़ को। दोस्तों इसके अलावा सर के एनवायरमेंट बैच चल रहे हैं, आश्वस्त सर के एनवायरमेंट बैच चल रहे हैं। दोस्तों जुड़ सकते हैं मेरे संग आप एनवायरमेंट बैचेज में, मेरे जो क्लाइमेट चेंज चालू हो चुका है इस टॉपिक में। दोस्तों बाकी अनअकैडमी आपके लाया, यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सुविधा नहीं है तो अनअकैडमी लाया आपके लिए लोन की सुविधा। दोस्तों लोन की फैसिलिटी लेकर आया, जहां पर आपको लोन प्राप्त होगा और इजी टेन्यूअर पर, यानी मैं कहूँ फ्लेक्सिबल टेन्यूअर पर इसको आप लौटा सकते हैं, यानी अपने हिसाब से इसको टेन्यूअर 6 महीने का 8 महीने का लोन आप चुका सकते हैं। कोई इंटरेस्ट फी नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है दोस्तों, कोई हिडन चार्ज नहीं है, आप ये बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं सिंपल एक कॉल के द्वारा, सिंपल पेपर वर्क के द्वारा। दोस्तों तो जुड़िए हमारे साथ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। दोस्तों जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप मेरे साथ और आइए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है दोस्तों, बाकी याद रखिएगा एवरी संडे आपका होता है कॉम्बैक्ट, जहां आपको जुड़ना है। फ्री कॉम्बैक्ट है दोस्तों, फ्री होता है 60 क्वेश्चन 60 मिनट, जहां आप जान सकते हैं हमें कैपेबिलिटी कितनी और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको मिलेगी अनअकैडमी की ओर से स्कॉलरशिप। दोस्तों तो यहां पर अनअकैडमी स्कॉलरशिप लेकर आया है। दोस्तों करना क्या है, इसके लिए ऐप पर जाना है संडे को 11 बजे सुबह, संडे को सुबह 11 बजे ऐप पर जाएंगे और यूज़ करेंगे आशीर्वाद 10 कोड। जी हाँ, यूज़ करेंगे आशीर्वाद 10 कोड, जिससे आप जुड़ सकें हमारे सही प्रोग्राम से और जुड़ सकें आप मेरे प्लस कोर्स से भी। दोस्तों तो यूज़ करिए आशीर्वाद 10, डिस्काउंट प्राप्त कीजिए, जुड़िए हमारे कोर्सेज से आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करके। दोस्तों चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है आज के आर्टिकल्स में। चलिए दोस्तों तो आज के द हिंदू आर्टिकल में दोस्तों देखते हैं पसंद क्या क्या है हमारे पास बात करने के लिए है। चलिए देखिए दोस्तों, आप जानते हैं आने वाले 1-2 दिनों के अंदर 22 अप्रैल कल है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति एक विशेष सत्र का आयोजन करा रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर, वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, तो वहाँ पर पीएम साहब भी पार्टिसिपेट करेंगे हमारे, और हो सकते हैं कुछ बड़े फैसले वहाँ पर, तो इसको लेकर आजकल कुछ लिखा जा रहा है काफ़ी कुछ। मेरे काम का भी नहीं है, क्योंकि जब तक कि वो मीटिंग नहीं हो जाती 22 अप्रैल की और हम उसका आउटकम नहीं देख लेते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा चर्चा करना बेकार है। हाँ, लेकिन एक मुद्दा है जो है नेट ज़ीरो कार्बन का मुद्दा, जिसको लेकर ऑलरेडी काफ़ी चर्चा हम करते रहे हैं, तो एक और ब्रीफ कर दूंगा दोस्तों आज मैं इस पर थोड़ा सा आपके साथ। तो ये मुद्दा और चल रहा है अभी, नेट जीरो कार्बन की घोषणा करता है क्या नहीं करता भारत, केवल यही देखना है 22 अप्रैल के दिन हमको दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इस आर्टिकल पे आपके साथ। ओके, आइए पहला आर्टिकल लेंगे आपके साथ, मैनेजिंग द नफेवेल। जी हाँ,
कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन राज्यों को दे दिया गया है। आइए बात करते हैं इस आर्टिकल पे आपके साथ दोस्तों। चलिए मामला क्या है दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब 18 वर्ष से आयु के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीन लेने का अधिकार होगा यहाँ पर 1 मई के बाद दोस्तों, इसे आप जानते हैं। तो यहाँ पर राइटर जो हमारे एडिटर है वो एक बात कह रहा है, वो समझिए क्या कह रहा है। दो तीन चीज़ें कह रहा है कि आपने घोषणा कर दी, अच्छी बात। उनका मानना है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ पैनिक, जो डर लोगों में डर बस गया है, पब्लिक का प्रेशर है, आए दिन सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं सरकार के बारे में, मीडिया दिखा रहा है सरकार के बारे में, और एक कहीं ना कहीं कंप्रेहेंशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस, और जितने बड़े स्केल पे आपदा फैल गई उसको देखते हुए सरकार को मजबूर होना पड़ा कि भैया सबको लगाइए, 18 साल से ऊपर के सबको लगाइए। पहले सरकार का प्लान नहीं था ये, पहले सरकार के प्लान में बिल्कुल नहीं था कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाइए अगस्त से पहले, लेकिन अब सरकार प्रेशर है और कहीं ना कहीं सरकार ने 18 वर्ष को परमिशन दे दिया। और साथ ही साथ गिव स्टेट मोर कंट्रोल ऑफ प्रोक्योरमेंट, जी हाँ, अब भंडारण जो होगा या जो खरीदारी होगी वैक्सीन की, अब अभी तक पूरा केंद्र सरकार का कंट्रोल था वैक्सीन के ऊपर, अब आधी वैक्सीन या 50% वैक्सीन खुली मार्केट में, खुले बाज़ारों में या राज्य सरकारों को मिल सकेगी, 50% केंद्र के पास और 50% राज्य या ओपन मार्केट में आपको मिल सकेगी यहाँ पर। तो ये एक प्रयास बदलाव किया है, चलिए ठीक है सर, लेकिन कुछ इशू ज़रूर बने हुए, कुछ इशू क्या हैं। पहला इशू ये है कि आपने 18 वर्ष से ऊपर तो कर दिया, अभी जब 45 में लग रही है तभी वैक्सीन की कमी आ रही है, उस समय वैक्सीन की कमी है, 18+ करने पर, 18 ईयर पर आने पर कैसे आप कर पाएंगे? क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, क्या विनिर्माण क्षमता आपकी है वैक्सीन को बनाने की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सरकार का मत था, सरकार का मानना था, पहली बार सरकार ने प्लान चालू किया था 16 जनवरी से, जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ देश में हमारे यहाँ पर, तब ये माना गया था कि अगस्त एंड तक, जी हाँ अगस्त एंड तक, हम लोग जो हमारा प्राइमरी क्लास है, प्राथमिकता वाला वर्ग है, जैसे कि जो बुज़ुर्ग हैं या 45 से ऊपर जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स आदि हैं, मेडिकल स्टाफ आदि है, उनको हम वैक्सीन दे देंगे। उसके लिए वैक्सीन का निर्माण होना था हमारे यहाँ पर, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप मई में आकर ही सबको वैक्सीन लगाने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे में होगा क्या? तो ये जो प्रायोरिटी वर्क था उसको ही लग पाई है, तो कैसे आप लगाएंगे 18 वर्ष से ऊपर, क्योंकि क्षमता उतनी है। आज आप क्षमता बढ़ाने की कोशिश करेंगे तब जाके बढ़ेगी, अगर सितंबर में, जनवरी में क्षमता थी आपकी उसके मुताबिक आज हम लोग लगा पा रहे थे अपने सीनियर सिटीजन्स को, लेकिन अब जैसे हमने 18+ खोला इसको, क्या हमारे पास वैक्सीन की क्षमता है निर्माण की? तो वैक्सीनेशन के लिए हमको ज़रूरत है सप्लाई की सर, सप्लाई कम है अपने आप में, ठीक है सर। राइट नाउ केवल 5% लोगों को लगी है वैक्सीन, देखा जाए तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बोल सकते हैं 12 करोड़ को लग गई है, लेकिन 12 करोड़ ऐसा मान लीजिए 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, मैं कहूँ तो अच्छा है, ऐसा मान लिया जाए कि 6 करोड़ लोगों को दो दो वैक्सीन लगी होंगी, और 6 करोड़ लगभग आबादी का 5% होता है, जी हाँ, तो लगभग देश की आबादी के 6% को डोज लगी हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम लोग दोस्ती सोचिएगा, यदि हम 30 लाख वैक्सीन पर डे लगा रहे हैं, आज 30 लाख वैक्सीन पर डे लगा रहे हैं, तो भारत के हर एडल्ट को वैक्सीन लगाने में हमको कम से कम 260 दिन का समय लगने वाला है, 260 दिन यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर, ये पूरा साल और अगले साल के कुछ दिन, जी हाँ दोस्तों, तो काफ़ी लंबा समय लगने वाला है यदि हम इसी स्पीड से चलेंगे तो, क्योंकि अब मुश्किल है अपने आप में, ठीक है सर। चलिए दूसरी बात हमको समझ आनी चाहिए यहाँ पर सर, वो हमें क्या है, तो सप्लाई कम है, तो पहला पॉइंट में लिखा है जो मैंने आपके शॉर्ट में, सप्लाई का इशू है। दूसरा इशू है दोस्तों वैक्सीन रेट, बताया मैंने आपको 3 मिलियन पर डे लगा रहे हैं हम लोग, 30 लाख लोगों को लगा रहे हैं, जो कि बहुत धीमी दर है, इससे में 260 दिन लग जाएंगे सबको वैक्सीन लगाने में, जो कि लंबा समय होता है अपने आप में। तीसरा है सर, इसको समझना पड़ेगा, हमने जनवरी में क्या किया, कोवैक्सीन को मान्यता दे दी अपनी, कोवैक्सीन का लगाओ आप यूज़ कर सकते हो, जबकि ट्रायल फेज डेटा पूरे नहीं आए थे, हमारी खुद की वैक्सीन थी, हमने दे दी परमिशन उसको कि तुम डेटा पूरे नहीं आए फिर लगा लो, लेकिन जो विदेशी कंपनियां भारत में आई हैं उनको कह रहे हैं डेटा देखो, ट्रायल करो हमारे यहाँ पर, हम उनके लिए कड़े नियम लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर जो नियम बात करें, इंडिया ऑल्सो अप्लाइड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स वेविंग क्रिटिकल ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन बट हैविंग स्ट्रिंगेंट रिक्वायरमेंट फॉर द फॉरेन कंपनीज, जी हाँ, भारत ने
अलग अलग मानक अपनाए हैं। घरेलू कंपनी कोवैक्सीन दवा निर्माण के लिए मानक हल्के कर दिए, और वहीं विदेशी दवाएं कंपनियां जो आ रही हैं वैक्सीन लेकर इंडिया में, उनके लिए मानकों को कोई कम नहीं किया। बहुत ज़्यादा कठोर मानक अभी भी हमने लागू कर रखे हैं। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मानकों को कमज़ोर ना करना। तीसरा पॉइंट है प्रकार से मानकों को कमज़ोर ना करना, ठीक है सर। ठीक है, चौथी बात समझेंगे सर यहाँ पर, वैक्सीन स्टोरेज की बात आ रही है, यहाँ पर शॉर्टेज की बात आ रही है। यहाँ बड़े स्केल पर हमारे देश में कई इलाकों से वैक्सीन शॉर्टेज की बात आ रही है, ठीक है। अब आपने राज्यों को हैंडओवर कर दी ताकत, राज्यों को हैंडओवर कर दिया यहाँ पर, तो राज्यों को हैंडओवर करने का फायदा क्या होगा? क्या राज्यों के पास इतने फाइनेंशियल संभावना इनके पास हैं? राज्यों को हमने दे दिया कि आप खरीद सकते हैं, तो राज्यों को फाइनेंशियल मदद भी करनी पड़ेगी हम कहीं ना कहीं। अब तक केंद्र बात कर रहा था, हमने बैठ रखा है अपने लिए और खरीद रहे हैं, हम खरीद के देंगे। जब आपने कहा नहीं, हम आधा आप खरीदिए आधा हम खरीदेंगे, तो आपको आधा बजट भी देना पड़ेगा राज्यों को यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको राज्यों को फाइनेंशियल मदद भी करनी पड़ेगी, तभी हम वैक्सीन हर व्यक्ति तक पहुँचा पाएंगे दोस्तों। तो चार पॉइंट हैं वैक्सीनेशन फॉर ऑल के सामने चुनौतियाँ क्या क्या, मैं कहूँगा सर वैक्सीनेशन फॉर ऑल के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं देश के अंदर। तो पहली बात सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, क्या इतनी दवा मिल पाएगी हमको। दूसरी बात जो रेट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का वैक्सीनेट करने का, वो 3 मिलियन पर डे चल रहा है हमारे यहाँ पर, इससे बहुत लंबा समय लग जाएगा सर। 30 लाख लोग पर डे लगवाएंगे तो 260 दिन लग जाएंगे पूरे देश को लगने में, हर एडल्ट को लगने में समय लग जाएगा सर। तीसरा फंड्स फॉर स्टेट्स, राज्यों को फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, जो उनके पास नहीं होंगे तो फंड्स की सपोर्ट करें हम लोग केंद्र उनका। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके लिए मानक भी थोड़े से आसान किए जाए, जिससे भारत में कम ट्रायल के साथ भी अपनी वैक्सीन को बेच सकें, ठीक है दोस्तों। तो चार मानक हैं या चार चीज़ में कहना चाहिए हैं यहाँ पर, जिनको फॉलो किया जाए तो शायद वैक्सीनेशन फॉर ऑल के सामने चुनौतियाँ चल रही हैं वो नहीं आएंगी दोस्तों। बाकी तो गला बहुत सूख रहा है मेरा आज, अभी शाम से गला बहुत ज़्यादा सूखने लगा है। बहुत हैवी ड्राई हो गया गला मेरा अभी शाम में, अब लगता है कि पानी पीते रहो बैक टू बैक लग रहा है सर। ठीक है, क्लियर दोस्तों को यहाँ पर आर्टिकल क्लियर है ये। तो वैक्सीनेशन फॉर ऑल के सामने क्या चैलेंजेस है वो समझा रहा था मैं आपको यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग सेकंड आर्टिकल पे आते हैं दोस्तों। गुड, आगे चलते हैं दोस्तों, सेकंड आर्टिकल पे आते हैं। देखिए ये आर्टिकल पॉलिटिकल आर्टिकल था, ये जयवीर शेरगिल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो इनका आर्टिकल मैं ले नहीं जाऊँ, क्योंकि कह रहे हैं कि सरकार जो भी अब कर रही है वो कांग्रेस ने कहा तभी वो कर पा रही है सरकार, मनमोहन सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, तो मेरे काम का कुछ भी नहीं है। तो इनका मानना है एक चीज़ एक हमेशा हम लोग मानते हैं, और ये इसके अंदर छुपी है इस आर्टिकल के अंदर, जो सरकार ये कह रहे हैं यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट शेड इस पॉलिसी ऑफ क्रेडिट इज माइन क्राइसिस यूअर्स। ये जो थ्योरी होती है एक प्रकार से, जो भी अच्छा होगा मैं करूँगा, खराब होगा तुम करोगे, मतलब खराब तुम्हारे सर फोड़ेंगे। तो इस बात अच्छी नहीं लगती, हमें देखा किस प्रकार देश के सीनियर लीडर्स ने कहा सरकार को, जब मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि 5 पॉइंट दिए, तो रविशंकर सिंह अगले दिन सुबह आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मनमोहन सिंह अपनी पार्टी संभालने पहले उनकी पार्टी देश में वैक्सीन को रेट बिगाड़ रही है, फिर शाम तक आते आते वही 5 पॉइंट स्वीकार कर लेते हैं मोदी साहब अपनी स्पीच के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा इन बातों को कि आप पॉलिटिक्स करें लेकिन इस मुद्दे पर कम से कम ना करें। तो ये हमेशा मैं इस आर्टिकल में नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर, हमें एक चीज़ सबक लेना चाहिए कि जब कोई आपदा हो, राष्ट्रीय आपदा हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भूलकर जनहित में या देश हित में काम करना चाहिए। इतना भारतीय लोकतंत्र मजबूत अभी नहीं हुआ है, यानी मुझसे कहा जाए तो भारतीय लोकतंत्र और आपदा के समय भारतीय लोकतंत्र कैसा दिखता है आपको, तो मैं एक बात कहूँगा यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ सो कॉल्ड डिज़ास्टर में डेमोक्रेसी की बात मैं करूँ अगर, तो भारत का लोकतंत्र काफ़ी कमज़ोर दिखता है हमको कैसे, या मैं कहूँ कोरोना काल ने भारतीय लोकतंत्र की कुछ कमियों को उजागर किया है। स्पष्ट करें, मैं ऐसी बात करूँ आपसे, क्या कमियाँ आपको दिखाई दी हैं इस कोरोना काल में? तो सेंट्रल वर्सेस स्टेट लड़ाई हमने देखा बढ़ती हुई किस प्रकार, कई मुद्दों पर केंद्र वर्सेस राज्य को बढ़ते देखा हमने, देखा किस प्रकार लोगों के मानव अधिकारों का वायलेशन हुआ खुलकर यहाँ पर, चाहे वो पैदल जाते हुए यात्रियों की बात करें, भूखे मरते लोगों की बात करें, इलाज जो उनका बेसिक राइट है
जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में अंदर पार्ट होता है, उनके राइट्स को मिलना, हम कहते हैं राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय, तो जस्टिस जो इंडिया में है वो नहीं मिल पाया, लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, तो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, उनके लाइफ आर्टिकल 21 का उनका वॉयलेशन हो रहा है, ये दिखाया कोरोना काल ने, चला रहे हैं उस राज्य में मौतें हो जाती हैं, महाराष्ट्र में मौतें हो रही हैं तो दिल्ली के मंत्री खुश हो रहे हैं महाराष्ट्र के लोग मर रहे हैं, यार वो आपके देश के लोग नहीं हैं क्या, या कुछ नॉन बीजेपी स्टेट में कुछ हो जाता है तो बीजेपी को आप बुराई करना चालू कर देते हैं। तो समझना होगा हमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हमें इस समय देश को साथ में रखने की आवश्यकता है। जब हम साथ होंगे, जब हम एक होंगे, तो हमारे फॉलोअर्स, हमारे जो मतदाता हैं, हमारे जो वोटर्स हैं, वो एक साथ चलेंगे। हम ही बटे होंगे तो और बटे रहेंगे वहाँ पर। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को मैसेज देना चाहिए था जो कि देने में फेल रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑल द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी का नाम ना लिया जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सबसे केंद्र में लड़ रही हैं, राज्य में लड़ रही हैं, वैसे ही उनके समर्थक लड़ रहे हैं, तो जबकि साथ देना चाहिए था इस समय, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी में कुछ कमजोरियां सामने आई हैं सर, हाँ, लेकिन डेमोक्रेसी या फिर आप बोल सकते हैं जुडिशल सिस्टम, जिससे उम्मीद की जाती है न्याय करेगा वो कहीं ना कहीं, और न्यायपालिका मदद करेगी, लेकिन कई मामलों पर न्यायपालिका पर हमने देखा कि निर्णय में देरी देखी गई वहाँ पर, चाहे वो प्रवासियों का मुद्दा हो या लोगों तक राहत पहुँचाने का मुद्दा हो, इलाज का मुद्दा हो, लॉकडाउन जैसी चीज़ों को देखा हमने, वो देखा। इसके अलावा आप बोल सकते हैं जिस प्रकार आपदा के समय लॉकडाउन लगाया गया, तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉकडाउन, मैं पीएम साहब को सुन रहा था कल उनकी स्पीच में, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि बहुत आवश्यकता होने पर लॉकडाउन लगाया जाए, बहुत आवश्यकता होने पर ही लॉकडाउन लगाया जाए, जबकि मुझे याद करूँ एक साल पहले सबसे पहला काम सरकार ने किया लॉकडाउन लगा दिया था, क्योंकि आज लॉकडाउन लगाना राज्यों के हाथ में, हैंडओवर राज्यों कर दी पावर आपने, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम विरोधाभास देख रहे हैं अपने आप में, कि जब केंद्र के पास ताकत थी तो केंद्र पहला इस आसान काम किया लॉकडाउन लगाने का, जब राज्यों के पास आया तो उनसे कहा कि पहले आप ऑक्सीजन सप्लाइए, ये दीजिए, वो दीजिए, वैक्सीन बनाइए, उसके बाद आप लॉकडाउन लगाइए, लास्ट, बिल्कुल लास्ट रिजॉल्ट उन्होंने कहा जो कल वर्ड यूज़ किया, कि बिल्कुल अंतिम विकल्प होना चाहिए लॉकडाउन यहाँ पर। तो ये लॉकडाउन वो सही था या ये सही है, इसको लेकर एक पॉलिसी बनने के लिए होनी चाहिए, जो नहीं थी, तो सेंट्रल लेवल पर एक क्लियर कट पॉलिसी की आवश्यकता थी और राज्यों के साथ सहमति होती, तो जो थिंक टैंक हैं हमारे यहाँ पर वो फेल रहे हैं, ये जो जिस संघवाद की जो ये इंस्टीट्यूशन जो हैं वो फेल रहे हैं एक कंप्रहेंसिव पॉलिसी तैयार करने में। आपदा अगर छोटी मोटी होती है तो निपट लेते हैं, लेकिन इस आपदा ने दिखाई, लंबी आपदा चलती है जब कोई, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत के ये जो इंस्टीट्यूशन हैं बहुत मजबूत नहीं हैं, सो कॉल्ड थिंक टैंक हैं, सो कॉल्ड संघवाद के ये इंस्टीट्यूशन हैं, केंद्र राज्य मिलकर काम करते हैं, एकता परिषद, केंद्र राज्य परिषद, इनको अच्छा काम करना चाहिए था, इनको सब मिलकर काम करना चाहिए था, ये बहुत मैच्योर अब तक नहीं हुए हैं, ये देखने में आया दोस्तों इस लॉकडाउन या इस पूरे पॉलिसी मेकिंग में। तो मुझे कहा जाए तो हाँ जी हाँ, लोकतंत्र की कुछ कमियां सामने आई हैं, बिल्कुल दो राय नहीं है, ठीक है, वहीं कोई अच्छी बातें भी आई हैं सामने इस आपदा के दौरान लोकतंत्र की, कोई अच्छी बातें हो तो बताइए मुझे, मैं कह सकता हूँ कि हाँ इस आपदा के समय भी कुछ अच्छे काम हुए हैं, ढूंढना पड़ेंगे मुझे रे ऑफ द रेयर, लेकिन पक्का मिल जाएंगे, आप लोग ढूंढिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस आपदा ने लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया है, या हमारा जो मजबूत लोकतंत्र है वो इस आपदा में कैसे टिका रहा, हमारे लोकतंत्र में क्या अच्छी बातें थी कि हमने एक अच्छा आपदा से निपटने का प्रयास किया। आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रयास हुए हैं देश में वो इंडिविजुअल बेसिस पर हुए हैं, सरकारों के स्तर पर बहुत बड़े अच्छे प्रयास नहीं हुए हैं, इंडिविजुअल लोगों ने प्रयास किया है, यहाँ पर लोग आगे आए हैं, NGOs आगे आए हैं बहुत ज़्यादा, तो लोकतंत्र की देन है अपने आप में कि लोग मिलकर एक साथ आ रहे हैं और अपने NGO बना रहे हैं, तो NGOs ने बहुत अच्छा काम किया, रिवॉर्ड नहीं है, ग्रासरूट पर अच्छा काम हुआ, NGO द्वारा अच्छा काम किया गया है, खाना बांटने से इलाज करने तक में काफ़ी अच्छा काम किया लोगों ने यहाँ पर। इसके अलावा इस प्रकार हमारे सोशल मीडिया फल फूल रहा है और उसने भी कहीं ना कहीं आपदा को, आपदा की जानकारी पहुंचाने में, आपदा के अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाने में बहुत अच्छा काम किया है, तो ये लोकतंत्र की ही देन है सोशल मीडिया, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए आम आदमी भी अपने अनुभव साझा कर पा रहा है, लोकतंत्र के दायरे में रहकर लोगों तक अच्छे मैसेज पहुँचा पा रहा है, कम्युनिटी को जोड़ने का प्रयास हम लोग कर पा रहे हैं। अगर पैदल चलते हुए मजदूर के फोटो आए हैं तो इस सोशल मीडिया ने उन तस्वीरें भी दिखाई हैं जहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन मजदूरों की मदद कर रहे हैं, तो ये तस्वीरें भी आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई अच्छी बातें भी आई हैं आपदा के समय, लेकिन मेरा जो मुद्दा था वो था पॉलिटिकल इशू, तो इस आर्टिकल पर नहीं जा रहा हूँ मैं, आर्टिकल में कुछ काम का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमेशा आती है कि आपदा के समय देश को एक साथ चलना चाहिए, इस समय देश के कैरेक्टर की जाँच होती है और हम कह सकते हैं इस समय हमारा देश कुछ हद तक फेल रहा है,
हमें और मजबूती की आवश्यकता है यहाँ पर। एक मित्र कह रहे हैं सर अंधभक्त को सुधरे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था भक्तों के भगवान बदल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। चलिए क्या अंतर पड़ रहा है यार, पॉलिटिकल लड़ाई हम कितनी भी कर लें बात, वो सुधरने वाले कोई कुछ नहीं है। अभी सब भूल जाएंगे, लोग एक साल में सब भूल जाएंगे, चिंता मत करो। फिर वहीं पर वही शराब के नाम पर, पैसे के नाम पर, धर्म जाति नाम पर वोट करेंगे, सब भूल जाएंगे हम लोग। चलो जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे हम लोग, हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, क्या आर्टिकल क्लियर है आपको ये? नहीं, आप जो पॉइंट बता रहे हैं लोग कि सब फार्मा सेक्टर अच्छा हो गया, नहीं मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। मैं आपदा ने अवसर क्या क्या दिए वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। एज अ डेमोक्रेटिक हम कितने अच्छे हुए, कितने हम लोग जुड़े, डेमोक्रेसी ने हमको और क्या दिया, या इस आपदा ने डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत किया, उसकी बात मैं कर रहा था आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, एक आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर है, अ लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द माओइस्ट। ठीक है, द लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द माओइस्ट, राघवन साहब का आर्टिकल है नो डाउट। देखते हैं बात करते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए नक्सलियों ने जो कुछ किया आप जानते हैं 3 अप्रैल को सुकमा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर, और वहाँ पर किस प्रकार 22 जवान शहीद हुए हमारे और एक जवान को किडनैप कर लिया था उन्होंने। तो ये राइटर यहाँ पर 2-3 बातें कह रहे हैं, सुन लीजिए दोनों राइटर मिलकर। पहली बात उन्होंने कहना यह है कि 22 जवानों को शहीद हुए हमारे वहाँ पर और एक जवान को किडनैप किया उन्होंने माओइस्ट ने, और बाद में बात इजीली छोड़ दिया, मतलब मैं कहूँ तो एक मध्यस्थ गए और छुड़वा दिया गया। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, एक तरफ आप 22 लोगों को मार देते हो बिना कारण के, और एक को जो किडनैप करके लाए उसको बिना आपने कुछ परेशान किए कुछ किए आपने लौटा दिए, तो आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो? तो यहाँ पर राइटर कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कह रहा है यहाँ पर राइटर कह रहा है कि शायद ये पॉसिबल ही है कि उनका अटैम्प्ट था, ये नक्सलियों का प्रयास था कि अपने संदेश को दुनिया तक पहुँचाया जाए, दैट दे आर नॉट ऑल दैट वायलेंट और द मर्सीलेस एज पोर्ट्रेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी वो उतने खूंखार उतने दरिंदे नहीं हैं जितना कि उनको प्रशासन दिखाता है। उनके अंदर भी दिल है, वो भी मानव हैं, वो भी कंपनशन है, वो भी एक प्रकार से दयालु हैं, वो भी मानव हैं, और वो यहाँ पर एक कारण के लिए लड़ रहे हैं, ये शायद दिखाना चाहते थे नक्सली, और इसलिए उन्होंने एक सैनिक को या एक अर्धसैनिक बल को हमारे रिहा कर दिया। तो ये एक पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पर, आखिर क्यों नहीं मारा उसको भी, क्यों किडनैप करके ले गए, फिरौती में कुछ नहीं मांगा, सिंपली छोड़ दिया उसको। ठीक है सर, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड एस्पेक्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, आखिर इतने लंबे समय, सेकेंड आर्टिकल में कह रहा है यहाँ पर, ये इस पैराग्राफ में डायरेक्टर कह रहा है, आखिर इतने लंबे समय तक ये नक्सली ख़त्म क्यों नहीं हुए, मतलब 50 ईयर्स हो गया है, आखिर क्यों ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं, क्यों ये ख़त्म नहीं हो रहे? तो यहाँ पर राइटर कहता है जबकि नक्सलियों के पास सरकार से कम रिसोर्स हैं, नक्सलियों के पास उतने हथियार पैसा नहीं था कि सरकार के पास है, फिर भी नहीं आ रहे हैं। इनका कहना है कि बट अनकन्वेंशनल वॉर आर नॉट फाउट मेयरली ऑन द ग्राउंड, दे आर बैटल्स बिटवीन द माइंड ऑफ स्टील। जी हाँ, इनका मानना है कि विचारधाराओं की लड़ाई है बेसिकली, ये लड़ाई केवल बंदूकों की नहीं है कि सेना किसके पास ज़्यादा है वो जीत जाएगा, ये लड़ाई विचारधारा की है। और यहाँ पर नक्सली थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, नक्सली थोड़ा सा आगे चले जाते हैं क्योंकि लोकल आइडियोलॉजी उनकी शामिल हो चुकी है, लोकल लोगों के दिमाग में उनको वो एक न्याय माने जाते हैं, वो उनकी बात सुनी जाती है। ठीक है सर, एक स्पष्ट होता है। बाकी तो मैं लिखा यहाँ पर एक इसको जो मैं समरी करूँगा अगर यहाँ पर, तो उनका कहना ये है कि पिछले 50 सालों में 1967 से ऑलमोस्ट नक्सलवादी चालू हुए हैं और 90 के दशक तक बढ़ गए हैं, लास्ट 50 ईयर्स ऑलमोस्ट में हमने क्या फोकस किया है, जो अपन कहते हैं भाषा में फर्स्ट डी याद है डिफेंस का, इंटरनल सिक्योरिटी का 3D याद होगा उम्मीद कर रहा हूँ, बताना शायद मुझे नहीं है फिर से आपको। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है जनाब पिछले 50 सालों में हम लोगों ने मेनली फोकस किया है फर्स्ट डी के ऊपर, यानी कि डिफेंस के ऊपर, यानी अपनी सुरक्षा पर, अपने पुलिस पर लगा दिया आपने, ये कह रहे हैं राइटर यहाँ पर, पढ़ें इस लाइन को, मैं समझता हूँ पढ़ते हम लोग। ऑल दैट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफन डू सेटअप स्टेप अप देयर ऑपरेशन
is deploy more policemen, pour in more money, improve technology, but this is an impact only for a short span of time. यानी आप जो पुलिस लगाते हैं, तकनीक लगाते हैं, आप जो यहाँ पर अधिक सेना लगाते हैं, इसका असर थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन लंबे समय के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो हम कह रहे हैं बाकी दो डी में फोकस करिए. कौन कौन सी दो डी? डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोस्तों. जी हाँ, वहाँ फोकस करना पड़ेगा हमको. तो यहाँ पर ये कहना है, तो क्या किया जाए? तो राइटर कह रहा है भैया डेवलपमेंट की मदद लेनी पड़ेगी. तो क्या डेवलपमेंट मदद करता है? क्या विकास मदद करता है? चलिए इसकी बात करें. तो पहला डी तो फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम चलता है. मतलब आप सुरक्षा कर लोगे, वही बात है, लॉकडाउन लगा दिया आपने, तो लॉकडाउन बीमारी का इलाज नहीं है. लॉकडाउन जब तक रहे तो थोड़ा उसका केस कम हो जाएँ, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही हटाओगे वैसी भीड़ मिलेगी, फिर बीमारी फैल जाएगी. ये तो लॉकडाउन का तरीका इलाज नहीं है. इलाज क्या है? लोगों को समझाओ, वैक्सीनेट करो. एक एक लोगों के पास जाके आपको बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप जो आप वैक्सीन ढूंढ के लाए हैं वो लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ भी वही बात है, डिफेंस बहुत लंबे समय सॉल्यूशन नहीं है, कि जैसी सेना में कमज़ोरी आई, जैसी सेना हटी, नक्सली फिर स्ट्रांग हो जाते हैं. तो क्या करना पड़ेगा? विकास मदद करेगा क्या? आइए दोस्तों, तो हम बात करें विकास का मॉडल. हमने देखा यहाँ पर कुछ हद तक विकास मदद करता है. आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है. आंध्र प्रदेश परहैप्स एन एक्सेप्शन वेयर द मैजिक ऑफ डेवलपमेंट हैज सक्सीडेड. जी हाँ, आंध्र प्रदेश में मैजिक, आंध्र प्रदेश में विकास का मॉडल काफ़ी सफल रहा है. मैं हमेशा मानता हूँ रेड्डी साहब, जो वाईएसआर रेड्डी थे, 90s में सीएम थे आंध्र प्रदेश के, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. हमेशा मानता हूँ मैं उनका, बहुत बड़ा फैन हूँ. कहीं कहीं दवे साहब जो आईपीएस ऑफिसर थे वहाँ पर, रेड्डी साहब जो सीएम थे वहाँ पर, बहुत ग्रास रूट पर काम किया, विकास को ग्रास रूट पर लेके गए, लोगों तक पहुँचाया, लोगों तक पैसा पहुँचाया, हर किसी को माइक्रो फाइनेंस पहुँचाया उन्होंने वहाँ पर. इसका फ़ायदा क्या हुआ आप सोचिएगा, जैसे श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट था जो कभी नक्सलगढ़ हुआ करता था, लेकिन सिविल सर्वेंट वो सर्व इन द एरिया से अ डेडिकेटेड लीडरशिप एट द डिस्ट्रिक्ट एंड ग्रास रूट लेवल इज वन एक्सप्लेनेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. जी हाँ, कहीं ना कहीं जो लीडरशिप थी बहुत शानदार थी, ग्रास रूट पर अच्छा काम हो रहा था, जिससे क्या हुआ, ये जिला नक्सली मुक्त हुआ और विकास की राह पर चल पड़ा. तो कहीं ना कहीं विकास ज़रूरी है, सही इंटेंशन के साथ किया जाए और सही तरीके से किया जाए, तो शायद विकास का मॉडल भी फायदेमंद हो सकता है. ठीक है सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों आपके साथ. और क्या है यहाँ पर सर? आंध्र प्रदेश की बात ही करते हैं हम लोग, और मैं इनकी बात करूँ व्यास साहब की यहाँ पर, तो KS व्यास साहब लेकर आए थे ग्रे हाउंड्स मॉडल, जब शेखर रेड्डी पर CM थे, तो ग्रे हाउंड मॉडल, जहाँ पर सुरक्षा के लिए ग्रे हाउंड मॉडल था, जहाँ पर गुड कुछ सैनिक या कुछ पुलिस वाले ग्रुप बना के सिविलियन ड्रेस में गांव-गांव जाते थे, वहाँ के लोगों से बैठते, बात करते, समझते, वहाँ की मैपिंग को समझते, कहाँ पर नक्सलाइट छुपे हो सकते हैं, और फिर एक बड़ा अटैक किया जाता है. गोरिल्ला वॉर से लड़ने के लिए गोरिल्ला टैक्टिक्स, ये था ग्रे राउंड मॉडल, काफ़ी सफल मॉडल माना गया दोस्तों. आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया, और याद रखिएगा इसका जो रिजल्ट था बहुत ही शानदार रहा. और हालाँकि KS व्यास साहब को गोली पड़ गई, उनकी हत्या कर दी गई बाद में, ठीक है, तो लेकिन उनका जो मॉडल था काफ़ी सफल मॉडल रहा अपने यहाँ पे. आंध्र प्रदेश से नक्सलाइट ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए इस घटना के बाद. तो आंध्र प्रदेश से नक्सली खत्म करने के लिए क्या किया? विकास कार्य भी ज़रूरी थे और सुरक्षा भी ज़रूरी थी, दोनों स्तर पर काम किया, डेवलपमेंट भी और डिफेंस भी. जी हाँ, दोनों काम करें इन्होंने यहाँ पर. ठीक है सर, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ये राइटर कह रहा है ऑब्जेक्टिव, समझिएगा नक्सलियों के उद्देश्य क्या होते हैं. नक्सलियों का उद्देश्य क्या होता है सर? पहली बात तो जो सुरक्षा बल है और सरकार है, इनके बीच एक प्रकार का मतभेद पैदा करना, कि अब इंटेलिजेंस ही नहीं है लोगों के पास वहाँ पर, या हम देखें सरकार बस डिप्लॉय की जा रही है लोगों को, ना हथियार दे रही है, ना पैसा दे रही है, बस ट्रांसफ़र डाल दिया करके वहाँ पर उनको. तो इससे क्या होगा, सेना और जो है या पैरामिलिट्री फोर्स हैं और सरकार के बीच में एक क्लैश पैदा होगा. ठीक है सर, इसके अलावा सर नक्सली ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर, कि सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई आप कितना भी हिंसा हम पर कर लीजिए, हमारा चरमपंथ खत्म नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल है. ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों?
हमें वही काम करना होगा, 3D फोकस करना होगा, रणनीति हमारी वही होनी चाहिए, उसमें तो उसके अलावा कोई सोचना ही नहीं है, कुछ भी लिखता रहे अखबार, हमारी स्ट्रेटजी 3D ही होनी चाहिए, इसके बिना बात नहीं बननी है। तो डिफेंस, डायलॉग और डेवलपमेंट, जी हाँ दोस्तों, हम इस पर काम करना होगा, तभी हम लोग अपनी इस नक्सल समस्या को प्राप्त ख़त्म कर पाएंगे दोस्तों। क्या मेरी बात अब तक पहुँच रही है? क्या मेरी बात पहुँच रही है दोस्तों आप तक? ठीक है सर, ओके, बहुत बढ़िया। दोस्तों मुझे आप 30 सेकंड का ब्रेक दीजिए, अब मेरी पानी बॉटल ख़त्म हो गई, पानी लेकर आता हूँ मेरा, ठीक है, 30 सेकंड दीजिए मुझे। बहुत प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा गला सूख रहा है आज। चले कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। कुछ खास नहीं था, ओके। मैं आपसे कहा नेट जीरो पे एक आर्टिकल में लाया था आपके लिए, उसकी मैं चर्चा कर दूंगा आपके साथ दोस्तों, ठीक है। ये आर्टिकल मैं लाया हूँ नेट जीरो पे आपके लिए, फंडिंग इज कोर टू नेट जीरो एमिशन ड्राइव। समझिएगा, सारी बातें एक तरफ और पैसा एक तरफ, ठीक है, हम पैसे की बात करते हैं, वही समझ को आती है ज़्यादा। प्लीज चलते, ओके दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, नेट जीरो की चर्चा हो रही है, समझिएगा दोस्तों, नेट जीरो, ये डिबेट काफी लंबी चल रही है पिछले कुछ दिनों से। मैंने कहा भी था, जनवाद है, वहां यूपीएससी है, भारत को नेट जीरो की घोषणा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नेट जीरो मतलब हम कार्बन न्यूट्रल होंगे क्या नहीं। देखिए, आईपीसीसी की रिपोर्ट में और फिर पेरिस एग्रीमेंट में ये बात कही गई है कि दुनिया को इस सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक यानी 2050 तक हमें नेट ज़ीरो करना है। यूरोप के देश घोषणा कर चुके हैं, ईयू के देश घोषणा कर चुके हैं, जापान कर चुका है, रूस कर चुका है, काफ़ी देश कर चुके हैं कि नेट ज़ीरो, चीन भी कर चुका है कि 2060 तक वो नेट ज़ीरो पर आ जाएगा, ठीक है। भारत पर प्रेशर कि भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है, दुनिया का तीसरा सबसे उत्सर्जक राष्ट्र है, कि भाई आप कब नेट ज़ीरो पर आओगे,
आप कब अपने यहाँ पर उदासीन होगे कार्बन निकालने में, कोई नया कार्बन आप नहीं जोड़ोगे ऊपर। तो भाषा में दो चीज़ें हैं। तो पहली बात तो टाइम बताइए, कब तक करेंगे, कब तक करेंगे बताइए, नेट ज़ीरो करेंगे और करेंगे या नहीं करेंगे भी क्लियर कीजिए पहले। तो पहले तो क्लियर कीजिए, करना है कि नहीं करना है। अगर मैं ऐसे कहूँ तो नेट ज़ीरो कमिटमेंट, तो क्या भारत सरकार करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी तो कोई समस्या ही नहीं है, तो प्रेशर पड़ेगा फिर आपके ऊपर फालतू का, अमेरिका प्रेशर डालेगा आपके ऊपर। अभी जॉन कैरी आया तब भी प्रेशर डाला था। आप नेट ज़ीरो की घोषणा करते हैं तो फिर अगला इशू होगा कि टाइम बताइए, आप यहाँ पर टाइम की घोषणा कीजिए, किस टाइम करेंगे। ठीक है, तो टाइम 2050 होगा, 60 होगा, कब होगा ये बताना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात सिंपली करूँ आपके साथ तो प्रेशर बहुत है। तो भारत को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर राइटर कहता है, देखिए करना तो चाहिए क्योंकि ये राइटर उसी आइडियोलॉजी के हैं। मौजूद भी कह रहा था हमारा व्यू होना चाहिए बैलेंस यहाँ पर। तो यहाँ पर राइटर ने एक नया अप्रोच दिया जो मेरे काम पर लगता है मुझे। राइटर कह रहा है कि भारत को करना चाहिए लेकिन सेक्टोरल बेसिस पर, क्षेत्रवार आधार पर। इसका मतलब क्या है सर? हम ये नहीं कहें कि हमारा पूरा देश 2050 तक या 60 तक हम कार्बन नेट ज़ीरो नेट हो जाएंगे। नहीं, हमें ये कहना होगा जैसे हमारा पावर प्लांट है, ऊर्जा बनाने के केंद्र हैं, हाँ इसको हम नेट ज़ीरो कर देंगे। हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, इसको हम नेट ज़ीरो कर देंगे 2050-2060 तक। या हमारा मान लो कुकिंग करने की जो तकनीक है उसे हम नेट ज़ीरो कर लेंगे। चलो, यानी भारत को सेक्टोरल स्टील फैक्ट्री या फैक्ट्रीज हमारी हैं या फिर एग्रीकल्चर हमारा है, इसे हम कब तक करेंगे? हमें क्या करना होगा? सेक्टोरल आधार पर हमें नेट ज़ीरो की डेट देनी होगी यहाँ पर। इससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ सेक्टर जो बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं अभी कार्बन के ऊपर, उनको थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं हम लोग, धीरे धीरे कम करें। और जिन सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कार्बन कम हो चुका है, जैसे एग्जांपल दो मान लीजिए मैं आपसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, मान लीजिए बहुत तेज़ी से नई तकनीकें आने वाली हैं आजकल, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे हैं, बायोफ्यूल बढ़ रहा है या और चीज़ें बढ़ रही हैं सर। तो इन सब के बढ़ने से क्या हो रहा है सर? इन सब के बढ़ने से ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो है सर, वो जल्द ही, बहुत जल्द ही अपने आप में नेट ज़ीरो की ओर जा सकती हैं। तो घोषणा कर दो 2040 में। या फिर आप मानिए रिन्यूएबल एनर्जी बन रही है सर, कोयला पावर प्लांट बंद होने के कगार पे आ गए हैं, तो उस तक 2040 तक हम लोग बंद कर दें प्लांट को यहाँ पर और नेट ज़ीरो ले आए हम लोग यहाँ पर। हमें क्या करना होगा? जिन सेक्टर में ऑलरेडी कार्बन काफ़ी कम हो रहा है उनको पहले हम नेट ज़ीरो घोषणा कर दें, और फिर जिनमें हमको बाद में समय लगने वाला है, कुछ ज़्यादा कार्बन यूज़ करते हैं, उनको हम लोग कुछ समय बाद यानी 2050-60-70 में जाके नेट ज़ीरो करें। लेकिन हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? सेक्टोरल। ठीक है, तो ये अप्रोच हमको करना होगा, पहली बात यहाँ राइटर कह रहा है। दूसरी बात, वी नीड स्पेशल फंड्स। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट बात है, हमें बड़े स्केल पर पैसे की आवश्यकता पड़ने वाली है तभी हम नेट ज़ीरो करें, अदरवाइज हम नेट ज़ीरो नहीं करेंगे। तो नेट ज़ीरो करने के लिए हमारे पास होना चाहिए फंड सर, उसके बिना हम लोग नहीं करेंगे नेट ज़ीरो यहाँ पर। ठीक है, अब आइए यहाँ पर। तो फंड्स, यहाँ पर अब बात आती है फंड्स कहाँ से आएंगे भारत के पास। तो हाइपर राइटर कह रहा है, जनाब अगर दुनिया आपसे नेट ज़ीरो को जाने को कहती है तो आप दुनिया से फ़ंड मांगिए। अब फंड का सोर्स क्या क्या है, कहाँ से मिलेंगे आपको कार्बन कम करने के लिए फ़ंड? तो हम जानते हैं बहुत सारे फंड के सोर्स हम जानते हैं दोस्तों, और वही मेन आर्टिकल का थीम है, फंडिंग इज़ कोर टू नेट ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ बता दूँ पहले, आप फंडिंग पर जाने से पहले दोस्तों में पहली बात तो अप्रोच क्या होना चाहिए? सेक्टोरल। ठीक है, हमारी अप्रोच सेक्टोरल होनी चाहिए सर। ठीक है, सेक्टोरल अप्रोच होनी चाहिए। दूसरी हमें डिसाइड ये करना है कि हमें टॉप टू बॉटम जाना है या बॉटम टू टॉप जाना है। इसका मतलब क्या है सर? इसके मायने क्या हैं सर? मैं आपसे कहूँ कि सरकार किसी सेक्टर में चाहती है नेट ज़ीरो, पूरे देश को करना चाहती है, तो पूरा देश नेट ज़ीरो हो जाए, फिर हम नीचे आएँ, फिर कुछ नेट ज़ीरो करें, फिर जैसे सरकार क्या करे, बड़ा काम कर दे पहले कि ओके पूरा हमने ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया, फिर हम ये बंद कर रहे हैं, फिर हम ट्रैक्टर बंद कर रहे हैं, फिर हम गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम करें। या फिर हमारे कंपनी स्तर पे पहले कंपनी अपने स्तर पे काम करें, और फिर ये अगर नेट ज़ीरो हो जाती हैं तो फिर इनको मर्ज किया जाए, सभी नेट ज़ीरो हो जाए,
अल्टीमेटली पूरा देश नेट ज़ीरो हो जाए। मतलब पूरा नेट ज़ीरो करने के लिए क्या करें, पहले कंपनियां करें, फिर एग्रीकल्चर करें, फिर हम लोग अपना पशुपालन नेट ज़ीरो करें, फिर पावर प्लांट नेट ज़ीरो करें, और धीरे धीरे ऊपर आते आते पूरा देश नेट ज़ीरो हो जाए, या पूरा देश नेट ज़ीरो घोषणा कर दें हम लोग और फिर सेक्टर वाइज काम करें, तो हमें डिसाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पर राइटर कह रहा है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ये अप्रोच ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि इसमें सीधे आप छोटा छोटा नेट ज़ीरो करेंगे, एक साथ आपको नेट ज़ीरो करने का लोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक अप्रोच कह रहा है राइटर यहाँ पर। तीसरा वो कह रहा है फंडिंग आपको चाहिए यहाँ पर। अब फंडिंग का सोर्स क्या हो आपके लिए, फंडिंग का सोर्स क्या हो, कहाँ कहाँ से आ सकती है फंडिंग दोस्तों? तो राइटर कह रहा है फंडिंग कहाँ कहाँ से आएगी दोस्तों, मैं समरी कर रहा हूँ आपके लिए कि भारत में हम लोग कार्बन इमिशन कम करने के लिए फंडिंग कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सुन लीजिए दोस्तों, आराम सुन लीजिए, मैं जानता हूँ क्वेश्चन आपके पास होंगे, आप होल्ड करके सुन लीजिए आराम से, मैं चाहता हूँ बस लेक्चर हो जाए, कुछ छूटे नहीं चीज़ें हमारी। अभी रात को मिलेंगे 10 बजे आपके साथ करंट अफेयर्स क्लास में, ठीक है हम लोग 10 या 10:15 के आसपास। चलिए फटाफट बता दो फंडिंग के लिए, फंडिंग के लिए क्या क्या बोल रहा है हमारा राइटर यहाँ पर। पहला तो क्या हो रहा है यार, पहला है फंडिंग के लिए सर जो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो बनाया गया 100 अरब डॉलर का, उससे पैसा मिले हमको। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत, उससे पैसा मिले भारत को, ठीक है। भारत को मल्टीलेटरल जो संस्थाएं हैं लाइक ADB या फिर GEF, इनसे फंडिंग मिले भारत को, AIIB, वर्ल्ड बैंक, इनसे भारत को सहायता मिले और फंडिंग मिले भारत को, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग मिले हमको यहाँ पर, ठीक है सर। और क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर सर? इसके अलावा इनका मानना है कि हमें कई ग्लोबल फंड बनाने पड़ेंगे देशों को नेट ज़ीरो में ले जाने के लिए। नेट ज़ीरो तकनीकें महंगी होने वाली हैं, आसान तकनीकें नहीं हैं, तो हमें देशों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना होगा यहाँ पर। तो टेक ट्रांसफ़र भी ज़रूरी है, तभी आप नेट ज़ीरो को अपना पाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए। और क्या किया जाए, और क्या किया जाए, हम लोग कैसे नेट ज़ीरो हासिल कर सकते हैं, फंडिंग कहाँ से होगी? तो उनका कहना है कि ना केवल इंटरनेशनल सोर्सेज बल्कि डोमेस्टिक सोर्स पर भी आपको ध्यान देना होगा, घरेलू सोर्सेज पर आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। और घरेलू सोर्स क्या हो सकते हैं, लाइक बैंक हमारे जो हैं वो फंड करें उन कंपनीज़ को जो ग्रीन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में जा रही हैं। हमारा RBI बैंकों को निर्देश दे, जैसे हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ऐसी बैंक उन कंपनियों को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बांटें जो कंपनी ग्रीन प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, नेट ज़ीरो की ओर काम कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें टैक्स छूट दे यहाँ पर जो ग्रीन क्लाइमेट पे काम कर रही हैं, या ऐसी कंपनियाँ जो मदद कर रही हैं आपके लिए नेट ज़ीरो पर बनने, उनको छूट दे सका, टैक्स में छूट मिले इनको, टैक्स रिबेट मिले इनको, टैक्स में छूट मिले यहाँ पर, ये काम करना होगा हमको। यानी अपने स्तर पर भी, घरेलू स्तर पर हमको पैसा कलेक्ट करना होगा, जिससे हम लोग कहना चाहिए मैं शॉर्ट ऑफ एक प्रकार से नेट ज़ीरो की ओर आगे जा सकें। तो नेट ज़ीरो पे हम लोग सेक्टोरल वाइज जाएं, बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके जाएं, और डिफरेंट फंड सोर्स से पैसा प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ें हम लोग, इतने साल आगे ना बढ़ें। तो यदि अमेरिका देने को तैयार है पैसा हमको, या दुनिया के विकसित देश हमको देने को तैयार है पैसा, तभी भारत को नेट ज़ीरो की यहाँ करनी चाहिए, अदरवाइज भारत को नेट ज़ीरो के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये एक राइटर का एक छोटा सा थीम है दोस्तों, समरी था आर्टिकल का आपके साथ। दोस्तों मेरी हिम्मत थोड़ी ख़त्म हो रही है, मैं आर्टिकल रोकूंगा आपके साथ यहाँ पर, अभी क्लास को रोकूंगा और मुलाकात करूंगा रात में 10 बजे दोस्तों आपके साथ हमें, ठीक है। अभी रुकता हूँ क्लास में, मिलता हूँ रात में 10 बजे।